डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है येस। तो आप देखेंगे येस यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहा है, एडवर्ब का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है, इंटरजेक्शन का भी काम कर रहा है। तो हमने ज़िंदगी भर जो ना डेफिनेशंस रटा के हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। आज हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब देखें, पहला सेंटेंस है उसमें देखते हैं येस किसका काम कर रहा है। तो देखेंगे शी इज़ जस्ट अ येस वुमन। अब येस जो है यहाँ पे देखेंगे किसका काम कर रहा है, तो येस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि आर्टिकल है और उसके बाद येस के बाद नाउन आ रहा है वुमन। जो चीज़ नाउन को डिफाइन करती है वो हुआ करती है एडजेक्टिव। तो आर्टिकल के बाद अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद जो है नाउन का आना ज़रूरी होता है। तो येस इज़ एक्टिंग एज इन अ फर्स्ट सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है डिड ही येस द आंसर। तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप मारा है, तो इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क देखना है। तो डिड ही येस द आंसर, तो येस इज़ एक्टिंग एज ए वर्ब हेयर, क्योंकि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट का, ही आपका सब्जेक्ट है और येस तो जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट के लिए येस को वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नंबर तीसरा है येस हेयर इट इज़। तो यहाँ पे जो येस है इट इज़ एक्टिंग एज एन इंटरजेक्शन। अच्छा जी, इंटरजेक्शन क्यों इस्तेमाल यहाँ पे हो रही है? इसलिए इंटरजेक्शन का है कि जहाँ भी हम किसी क्वेश्चन का हम अफर्मेटिव में आंसर देते हैं येस लगा के, तो येस हेयर इट इज़, तो येस इज़ एक्टिंग एज इंटरजेक्शन ओवर हेयर। उसके बाद नंबर फोर है वॉज देट अ येस, वॉज देट अ येस, अ इज़ आर्टिकल उसके बाद एक वर्ड है, तो येस इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, सो इसलिए अ येस यहाँ पे नाउन है। उसके बाद नंबर लास्ट है नंबर फाइव, येस यू आर करेक्ट, येस यू आर करेक्ट, यहाँ पे एडवर्ब है। अच्छा, इसका यहाँ पे एडवर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट की बात हो रही है, आप किसी की इस बात से सहमत हो रहे हैं, तो यहाँ पे सहमत का जब सेंस आए तो आप येस को कंसिडर करेंगे एन एडवर्ब। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप येस को कहेंगे इंटरजेक्शन, जो कि तीसरे नंबर सेंटेंस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया।